How to lose weight? हर इंसान ये जानना चाहता है कि वो अपना वज़न कैसे कम करे या अपने वज़न को मेंटेन कैसे करे या कैसे अपने आप को एक सर्टन फिजिकल लेवल पे लेके आए जहाँ पे वो एक सर्टन तरीके से दिखे। तो मैंने सोचा कि आज हम डिस्कशन करेंगे डॉक्टर फरजीन मलिक से, जो इंटरनेशनली रिनाउंड डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड ऑफकोर्स डॉक्टर हैं, कि वज़न कैसे कम किया जा सकता है इन अ हेल्दी वे और सस्टेन्ड वे, यानी कि वज़न उतरे और फिर उतरा रहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरजीन। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि वेट लॉस ये हर बंदे की ज़िंदगी का एक अजाब है, हर दूसरे बंदे का। कुछ रेयर ब्रीड्स हैं इस दुनिया में जिनको वज़न चढ़ता नहीं है, अल्लाह उन्हें खुश रखे, दिल से उनके लिए बदुआएँ निकलती हैं। लेकिन तीन मेजर सवाल हैं आज के। एक, के वज़न कैसे कम किया जाए, दूसरी बात हेल्दी अंदाज में कैसे किया जाए, और तीसरी बात उसको उतारा रखे, हाउ टू कीप इट ऑफ। उतर तो आता है फिर वापस ऐसे चढ़ जाता है। सो वेट लॉस के बारे में आप कहेंगी क्या? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वेट लॉस जो है वो आजकल का रैम्पेज पे है कि जी वेट लॉस करें क्योंकि आपका हार्ट अच्छा रहे, क्योंकि आपका दिमाग काम करे। सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ में सो रहे हैं, काम कर रहे हैं तो सो ये रहे हैं। मेरे मॉर्निंग शो के एलिमेंट में मुझे ताने मार रही है। मैंने कोई ताना नहीं मारा। ब्रेक में जो मैं नैप लेना शुरू कर दी थी। चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई मैंने ताना नहीं मारा। एक्सक्यूज मी, मैंने अपनी दाढ़ी कुछ दिन पहले ही हैंडल करवाई है। अच्छा जी। और इसके अलावा आपकी हेल्थ और आपकी फिटनेस कैसे रही? जुगुन, सिर्फ यही नहीं होता कि आप पतले हो जाएं और आप अच्छे नज़र आएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिट भी फील करें। ये नहीं कि आपने डाइटिंग की और उसके बाद आप बिस्तर पे पड़े रहें सारा दिन। फिटनेस इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड ताकि आप, जुगुन आप बहुत फिट हैं प्लीज़। डॉक्टर साहब, जब मैं शुरू में याद है जब बहुत लो कैलोरी डाइट पर गई थी और आप डांट रही थी कि जुगुन इससे तुम्हारा कुछ नहीं होना, चार दिन तुम्हारा वज़न उतरना है, पाँचवें दिन जम जाना है, और मैं बिस्तरे में लेटी होती थी, फोन स्पीकरफोन पर बात कर रही हूँ, शिविर लाइक कुछ खाओ, मार लो वरना खाओगी नहीं तो मारी जाओगी। सो एग्जैक्टली, तो माशाल्लाह नाउ यू हैव लर्न टू डू इट द राइट वे एंड यू डन इट द हेल्दी वे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जब वेट लॉस करें, देखिए एक तो सबसे पहली चीज़ ये मत एक्सपेक्ट करें कि वेट जो है वो फ़ौरन गिर जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ एक हफ्ते में मेरा 10 kg उतार दें। That doesn't happen, ठीक है, उसके लिए आपको शॉर्टकट्स करने पड़ते हैं, that's not healthy. हेल्दी तरीन तरीका ये है कि आप अपने वेट को, एक तो अपनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करें। रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब नहीं है, लोग समझते मैं डाइटिंग कहती हूँ तो इसका मतलब है कि खाना पीना छोड़ दें। मेरी एक दोस्त आपके पास आती है, उनका नाम नहीं मैं लूँगी, ऑफकोर्स इट्स प्राइवेसी की चीज़। शी इज़ अ मदर ऑफ 3 children, वर्किंग लेडी भी है, फुल टाइम जॉब करती हैं, उसके अलावा उनके ससुराल भी बड़ा डिमांडिंग है, अपनी फैमिली लाइफ भी बड़ी बिजी है। उनके 6 kilo वज़न कम हो गया आपके पास 4 हफ्ते में, और वो बड़ी खुश थी और मेरी उनसे बात भी, तो आपकी तारीफ भी बड़ी कर रही थी। क्योंकि लोग जो इस किस्म का लाइफस्टाइल होता है, जो काम भी कर रहे होते हैं या बहुत बिजी होते हैं, जिनके बच्चे भी बहुत होते हैं और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वो अक्सर फील करते हैं कि उनका वज़न कम हो नहीं सकता, उनका लाइफस्टाइल नहीं अलाउ करता। हाँ बिल्कुल, हालांकि जुगन अगर आप चाहें तो आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसे कर सकते हैं कि वो आपकी इवेंचुअली फिटनेस की तरफ जाए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि क्या ऐसी डाइटरी एड्स हैं जो कि हमें फिटनेस की तरफ लेके जाएं और हमें वज़न लॉस करने में मदद करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने खाना जो है वो आपने, कुछ लोगों को सूट करता है, देखना है कि आपको कौन सा पैटर्न सूट करता है। कुछ लोगों को सूट करता है थोड़ी थोड़ी स्नैकिंग करनी और दिन में अबाउट 8 to 10 snacks की एंड नो फुल मील। ठीक है, स्नैक इतना बड़ा नहीं होता। हाँ स्नैक छोटा, हैंडफुल ऑफ फ्रूट, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट, हैंडफुल ऑफ वेजिटेबल्स। करीना कपूर ने भी जब वेट लूज किया था तो अपेरेंटली उनकी जो उन्होंने शेयर किया था एक इंटरव्यू में, वो ये था कि जब वो बिल्कुल साइज 0 पे चली गई थी, पता नहीं कौन सी एक मूवी के लिए, तो शी लिटरली यूज टू हैव 2 or 3 bites हर थोड़ी देर के बाद। हाँ, हाँ. कि जो खाने को जी चाह रहा है खा लिया, हाँ. लेकिन 2-3 निवाले लिए ताकि वो सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन 2-3 निवाले जिस तरह की चीज़ें हम बता रहे हैं, इस तरह की 2-3 निवाले नहीं कि आप चूरी खानी शुरू कर दें या आप देसी घी के पेड़ा खा लें और कहें तो डॉक्टर जी ने तो हैंडफुल बताया था, चले आज एक बालूशाही खाते हैं। ठीक है, सो बालूशाही खाने का दिल, अच्छा तो बालूशाही खाने का दिल जा रहा है, उस टाइम का मुकाबला सकते बात सुनो काम। हाँ जी, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना हैंडफुल ऑफ वर्क, एक जो है क्वालिटी ऑफ पीपल इज दैट जो कि 3 meals जो अच्छी मील्स जो है उन पे सफाइस करते हैं। सो यू हैव टू सी कि आपकी बॉडी को कौन सी चीज सूट कर रही है। डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो रज के खाना, एज इन एक दफा मैं पेट भर के खा लूं, ये जो थोड़ा सा खाती हूं ना, मुझे लगता है जैसे मेरा पेट एक कुआं है जिसके अंदर
चीजें डालते, थोड़ा थोड़ा खाना मुझे नहीं सूट करता. बिल्कुल. आपको सॉलिड मील्स पसंद है कि सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट अच्छा हो, लंच ठीक हो और डिनर ठीक हो. और डिनर आप 8 बजे से या 7 बजे तक आप कर लेती हो, विच इज़ द राइट थिंग टू डू, क्योंकि आपने अपने स्टमक को 7 बजे के बाद प्लीज फीड करना बंद कर देना है अगर आप वेट लॉस का सोच रहे हैं. मैं 7 बजे इसलिए भी बस खा के कंप्लीट कर देती हूँ अपनी मील, क्योंकि मैंने 10:30-11 बजे सोना होता है. सो मुझे अपने पेट को थोड़ा सा रिलैक्स करना है बिफोर आई गो टू स्लीप, वरना जब सुबह इंसान उठता तो यहाँ पे खाना. जुगन आपने तो इसलिए क्योंकि आपने जल्दी सोना है, लेकिन जो लोग रात को देर से भी सोते हैं उनके लिए भी प्लीज पीस ऑफ एडवाइस है कि 7 बजे के बाद अपने पेट को छुट्टी पे भेज दें. बट देन डॉक्टर साहिबा, जो बंदा रात के 2 बजे तक जागेगा, कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम जो नहीं सो पाते, वो रात को क्या करें, क्योंकि ज्यादातर लोग बिंज ईटिंग करते हैं वो भी रात को. तो जुगन यही तो खत्म करना है ना, यहीं पे आपकी विल पावर आती है कि आपने क्या करना है. यू कैन हैव लिक्विड्स, लाइक यू कैन हैव दूध आप पी लें या आप कोई स्मूदी बना के पी लें, लेकिन प्लीज ठोस चीजें खाना बंद कर दें. कार्बोहाइड्रेट्स और शुगरी टाइप चीजें आर अ नो नो आफ्टर 7. मतलब इवन फ्रूट्स भी डाइटिशियंस मना करते हैं आजकल कि आपने फ्रूट्स, हालांकि फ्रूट्स में तो जो मीठा है वो नेचुरल मीठा है, लेकिन कहते हैं कि फ्रूट भी आपने जो 4 बजे से पहले खाना है आफ्टरनून में, उससे पहले खा लें जो भी आपको पसंद है, लेकिन प्लीज़ 4 बजे के बाद अपनी बॉडी को आपने कोई शुगरी स्पाइक नहीं देनी. अपनी इंसुलिन जो इस वक्त छुट्टी पर जा रही होती है उसको बार बार नहीं निकलने देना. ओके, ठीक है. सो ऐसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरह की चीज़ों पे, लिक्विड्स पे स्नैक कर लें. लेकिन अगर आप देखोगे कि आप रोटी भी खा रहे हो और आप 7 बजे के बाद खाना बंद कर देते हो और सुबह 8-9 बजे नाश्ता करते हो, तो आपका खुद से वेट कम होएगा. ओके, बट पीपल से रोटी चावल छोड़ दो, रोटी चावल चीनी ये अच्छा कहते हैं. जो कि चीनी के बारे में तो हम कहते हैं छोड़ दो भाई, वाइट पॉइजन जहर है मक्खन. जब वेट लॉस पे आए 3-4 वाइट्स हमने छोड़ने हैं, उसमें वाइट मैदा हो गया, उसमें वाइट फ्लावर हो गया, उसमें वाइट डबल रोटी हो गई, वाइट चावल हो गए, हाँ वही, उसमें वाइट चावल हो गए और उसमें आपका ये शुगर हो गई. सो ये 3-4 वाइट्स जो है ना, ये तो आपने छोड़नी है, ये तो मतलब हर एक पे अप्लाई कर गया, ठीक है. अच्छा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्राउन चावल नहीं खा सकते या किनवा नहीं खा सकते. हाँ, आप ऐसी चीज़ें और ऐसे ग्रेन्स लें जो आपके पेट में ज़्यादा देर रहेंगे, आपको हजम करने में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करेगी उनको खाते हुए. बिल्कुल, जैसे म्यूसली वगैरह है, सुबह के वक्त अगर आप म्यूसली या जौ का दलिया जो है वो इस्तेमाल करें तो दैट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड गिव्स यू. अच्छा, दिस वाज अ पेशेंट ऑफ माइंड जिन्होंने रात को जौ का दलिया खाना शुरू कर दिया. जौ गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी. उनको रातों को नींद उड़ गई, मुझे कहने लगी जी मैं तो दलिया खा रही हूँ. मैंने कहा या तो इश्क कर ले या जौ का दलिया खा ले, आपकी रातों की नींद टूट के. डॉक्टर फरजीन मलिक के टोटके हो सकते हैं, तो मेरे टोटके नहीं हो सकते. अच्छा जी, उसके अलावा आप अपनी डिटॉक्स ड्रिंक का हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक पीते रहें, दैट्स गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म. हर्बल टीज लें, दैट्स गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म. जो लोग बहुत ज्यादा हर्बल टीज बता दें प्लीज, बताने लगी हूँ, एक सेकंड मौका तो दीजिए, जरा गौर फरमाइए. उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर जो है, सेब के सिरके का इस्तेमाल दिन में 3-4 दफा, अगर आप एलर्जिक नहीं है उससे तो आप इस्तेमाल करें. 1 चमची पर ग्लास ऑफ वाटर जो है उसको आप पी लें, तो दैट्स वेरी गुड फॉर योर. अच्छा, अभी आप हर्बल टीज का पूछ रही थी, तो सबसे पहले हर्बल टी जो आती है वो आती है कि आप ग्रीन टी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन ग्रीन टी जब बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आप दालचीनी डाल दें और उसके अंदर आप अजवाइन जो है तकरीबन 1/4 चमची यानी कि 1/4 चमची पीस के उसका पाउडर बना लें, वो भी आप डाल दें और उसको दम पे रख दें, और वो जो आपने बनाया हुआ एक पूरा मग्गा टी का, वो आप सुबह दोपहर शाम हर खाने के बाद पिए. एक पूरा मग या उस मग को एक मग को डिवाइड कर देना है आप उसका, और ये नहीं कि आप काढ़ा जैसा बन जाएगा ना, तो वो काढ़ा पूरा मग्गा अगर पीने तो चले मग्गा, एक तो मग्गा पाकिस्तान है ना, मग्गा. हाँ. जो मग है उसके आपने 3 हिस्से कर लिए. हाँ. तो वो छोटी जिस तरह कावे की गोलियां होती हैं उसमें, हाँ वो कर सकते हैं. और अगर आप ज्यादा पीना चाहते हैं तो आप ज्यादा बना लें, क्योंकि दालचीनी का जुगन देखा गया कि अक्सर मोटापा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, तो इंसुलिन को बहुत हद तक ये कंट्रोल करती है दालचीनी. जो डॉक्टर साहब, वाटर रिटेंशन, बिल्कुल वाटर रिटेंशन जितना तंग करती है, मुझे तो कभी कभी लिटरली 5 पाउंड्स की वाटर रिटेंशन हो जाती है. आप अक्सर मुझे बताती हो, तो वो ड्यू टू नमक ज्यादा. हाँ, नमक ज्यादा. और बाहर से जो लोग खाने खाते हैं जुगन, वो अक्सर उसके अंदर चाइनीज सॉल्ट एज ए टेस्ट एनहांसर, वो भी फिर
दे सफ़र. तो इसलिए एक तो घर पे अपने खाने बनाएं, कोशिश करें घर पे खाना खाएं और वो चीज़ देखें जो आपको सूट करती है. एप्पल साइडर विनेगर का आपको ये वाला कावा बताया, ये लेते रहें. इसके अलावा आपने एक और कावा भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ग्रीन टी तकरीबन आपने लेने 5 कप, ठीक है. उसके अंदर आपने ग्रीन टी के 2-3 चम्मचे डाल के उसको पकाना है. उसके अंदर आपने इलायची भी डालनी है, उसके अंदर आपने सौंफ भी डालनी है और उसके अंदर आपने डालना है काला ज़ीरा तकरीबन 1/2 चम्मचा. सौंफ इलायची जो है वो आप इलायचियाँ 5-6 डाल दें और सौंफ को आप पूरा 1 चम्मचा डालें. और ये बना हुआ जो 5-6 कप्स हैं इसको आप थर्मस में भर लें. और ज़रूरी नहीं कि वही जो मैं जैसे मैंने आपको कहा गर्म शर्म पी है उसको रूम टेम्परेचर पर भी आप सारा दिन सिप करते रहें तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा. वो लोग जो ब्लैक कॉफ़ी को रिजॉर्ट करते हैं फॉर वेट लॉस, वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो बड़े उसके बाद एक अच्छे जिम ट्रेनिंग पर जा रहे हैं. दे कैन डू दैट फॉर दैट टाइम, बट फॉर लूजिंग वेट ब्लैक कॉफ़ी इज़ अ नो नो इन पाकिस्तानी कम्युनिटी. और ठीक है, वो लेने के बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो हाँ, उस कैफीन की वजह से भी वो घबराहट होनी शुरू हो जाती है. दिल बैठना शुरू हो जाता है जब वो फिर क्रैश कर रहा होता है सिस्टम. सो बैलेंस में लेके जाने, वैसे ही आप चीज़ें कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे हैं ऊपर से आप कैफीन डालते हैं तो ये होना शुरू हो जाता है. बिल्कुल, हाँ, ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं. और अगर आप फिर भी आपका वेट काबू में नहीं आ रहा क्योंकि एवरी डेकेड के साथ आपका वेट जो है वो स्टबन हो जाता है, तो फिर आपने ये करना है कि अपने टेस्ट ज़रूर करा लेने हैं, जिसमें मेन टेस्ट के मैं नाम बता देती हूँ. लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़रूरी होता है, आपका थायरॉयड फंक्शन टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, यूरिक एसिड ज़रूरी होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना लिवर के लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं और लिवर का अल्ट्रासाउंड कराएं ताकि हम ये पता करें कि आया आपका फैटी लिवर तो नहीं है. फैटी लिवर इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज जो कि अक्सर लोगों का वेट लूज नहीं हो रहा होता क्योंकि उनके लिवर एंजाइम्स उस तरीके से नहीं निकल रहे होते. जिन लोगों का लिवर स्लगिश है उनको मोटापा भी होएगा, जिनका थायरॉयड स्लगिश है उनको मोटापा होएगा. अपना BMI देखते रहें जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, 18 से लेकर 24 के दरमियान नॉर्मल है, उससे 18 से नीचे जो है वो एबनॉर्मल कह रही हूँ अंडरवेट है और उससे 24 से ऊपर जब चला जाता है तो फिर इट इज़ ऑन द रेड लाइन. 18-24 खवातीन के लिए है, नॉर्मल हर एक के लिए. दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग. आपको मैं एक विंडो दे रही हूँ, अव्वल तो है 18.5 से 24.5, बट मैं जस्ट के आपके दिमाग में एक फिगर हो वो बता रही हूँ. 94 सेंटीमीटर से ऊपर अगर मर्दों की वेस्ट साइज हो तो बहुत बुरी बात है और 80 सेंटीमीटर से ऊपर अगर ख़वातीन की वेस्ट साइज़ या बेल्ट का साइज़ बढ़ रहा है तो देन दे नीड टू कंसिडर कि उनकी तमाम ऑर्गन्स के ऊपर सारी फैट चढ़ती है जिसको हम कहते हैं विसरल फैट. और जुगन ये आप सोचें कि जब ये हार्ट पे जाती है तो फिर आगे आप खुद समझदार हैं और हमारे सारे लोग सुनने वाले भी समझदार हैं कि क्या होता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा नई चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये आई है कि जो लोग 40 से नीचे हैं जिनके ब्लड टेस्ट सही आ गए हैं दे कैन स्टार्ट ऑन हिट ट्रेनिंग. हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है दैट इज़ वेरी गुड कहा जाता है कि इससे वेट लॉस बहुत होता है और एक तो टाइम की कमी का लोग शिकार होते हैं. उसके अलावा आपकी जब हार्ट रेट ऊपर जाता है ना आपके नॉर्मल हार्ट रेट से रेस्टिंग हार्ट रेट से तो वो ज़्यादा कैलरीज को बर्न करता है और आपका मेटाबॉलिज्म सारे 24 घंटे में एज अ फर्नेस काम करता रहता है. ये नहीं कि आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज की और फिर मेटाबॉलिज्म सो गया और फिर आपने उसको उठाया. सो यू हिट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आप गूगल भी कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपके पास जो एक्सरसाइज के जो इंशाल्लाह आ रहे हैं प्रोग्राम्स उसमें आप बताओगी भी कि ट्रेनिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर वेट लॉस. एग्जैक्टली. और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ आपने जिम ही जाना है और मशीनों के साथ ही करना है, ये कॉन्सेप्ट ज़रा आउटडेटेड हो गया है. एंड ऑफकोर्स जो फिटनेस वीडियोज़ भी मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हूँ उसमें भी आप देखते हैं. डॉक्टर फरजीन, अभी तो हमने बात कर ली अबाउट वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस के ऊपर आई फील हम एक और डेफिनेटली इंफॉर्मेशन जो है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें एक और वीडियो के अंदर. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर आपको मेरी और डॉक्टर फरजीन मलिक की बातें इंटरेस्टिंग लगी हैं या हेल्पफुल लगी हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑफ कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.